ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम लगातार चल रही है, जिसमें सोलन की जनता पुलिस की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। पुलिस ने अपने गुप्तचर जगह जगह सक्रिय कर दिए हैं। अब सोलन पुलिस ने अपनी नजर सोलन के आसपास के विश्वविद्यालयों पर भी गड़ा दी है। वहीं ताजा मामले में पुलिस के छापे में पहले ही नशे के व्यापार में शामिल युवक कमरा बंद करके फरार हो गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक को साथ लेकर कमरा खोला गया। तलाशी लेने पर अंदर चिट्ठा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके कमरे में रहने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम लगातार चल रही है, जिसमें सोलन की जनता पुलिस की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। पुलिस ने अपने गुप्तचर जगह जगह सक्रिय कर दिए हैं। अब सोलन पुलिस ने अपनी नजर सोलन के आसपास के विश्वविद्यालयों पर भी गड़ा दी है। जैसे ही उन्हें नशे से जुड़ी कोई खबर मिलती है, वे तुरंत ही उस पर कार्रवाई अमल में लाकर नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। वहीं ताजा मामले में पुलिस के छापे से पहले ही नशे के व्यापार में शामिल युवक कमरा बंद करके फरार हो गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक को साथ लेकर कमरा खोला। तलाशी लेने पर अंदर से चिट्ठा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके कमरे में रहने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ओच घाट के नजदीक जीरो पॉइंट में एक कमरे में मकान मालिक की उपस्थिति में छापा मारा। इसमें 7.74 ग्राम चिट्टा बरामद किया हुआ है। पुलिस कार्रवाई के समय ये किराए का कमरा बंद था, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सूचना होने के चलते पुलिस ने मकान मालिक को मौके पर बुलाया और उसके सामने कमरे का दरवाजा खुलवाया और कमरे की तलाशी ली। इस दौरान यहां से चिट्ठा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस कमरे में रहने वाले छात्र की तलाश चल रही है। सूचना प्राप्त हुई कि वो जीरो पॉइंट के पास एक लड़का है, अभिषेक राणा, जो कि किराए का मकान लेके वहां रहता है और वो यहीं का स्टूडेंट है सुलिन यूनिवर्सिटी का, और ये जो है इसके पास चिट्टा है, ये चिट्टा बेचने का काम करता है। इस पे जब टीम हमारी उसके जो रेंटल मकान था वहां पहुंची तो उस पे ताला लगा पाया गया। गवाहों की मौजूदगी में उस ताले को काटकर उस रूम की जब सर्च ली गई तो उसमें से 7.74 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इसको पुलिस ने सीज कर लिया है, एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और ये जो आरोपी है इसकी तलाश की जा रही है, जल्दी ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा।